अरे कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया मियाँ? अबू मैं, अरे अब वो आ ही गया है तो उसको इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आ तो गया ना? तो ना आता हमारी बला से। इसे सिर्फ अपनी अमीर कबीर बीवी की परवाह है, हमारी परवाह नहीं है। अबू ऐसी बात नहीं। अरे रहने दो, रहने दो, ऐसी बात नहीं है। हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, और अल्लाह किसी को अपने अलावा किसी का मोहताज न कर। अब बस भी करें, कब तक इस बेचारे को बातें सुनाते रहेंगे? अम्मी कहने दें अबू को, दिल में गुस्सा नहीं रखना चाहिए। हम कौन होते हैं बेटा तुम पर गुस्सा करने वाले? हमारा भला क्या हक है तुम पर? हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा दिया, शादी कर दी तुम्हारी, बस हमारे सारे फर्ज सारे हक खत्म। जब औलाद सरकश और बेहिस हो जाए तो मेरे माँ बाप को कोई हक जताने की जरूरत नहीं है, और वो जता भी नहीं सकते। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा सीधा ऑफिस से घर आया है, थका आ रहा है। अरे देखे तुझे कितना कमजोर हो गया है, और ये भी तो देखो कितना बेहिस और कितना खुदगर्ज हो गया। धन्यवाद बेटा, तुम्हारे अबू तो चुप नहीं होंगे। तुम आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और देखो आज खाना खाए बगैर नहीं जाओगे तुम, यहाँ आओ। क्या हो गया है, खाना खाने बगैर नहीं जाने दोगी? उसके घर पे 5-स्टार होटल से खाने आते होंगे, उसे वो तुम्हारे कद्दू करेले जो तुम अपने हाथ से प्यार से पकाती थी कांच लगेंगे। अब अबू अम्मी मैं आप दोनों को बहुत मिस करता हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तुम हमें अपनी मर्जी और अपनी खुशी से छोड़कर गए थे। तुम्हारे दिल में हमारी कोई अहमियत नहीं है। अबू लोगों की अहमियत का अंदाजा फासलों से होता है, तभी तो मैं यहां आपसे मिलने के लिए आ गया हूं। मैंने महरीन से कितनी बार बोला है, लेकिन वो अपने कामों में मसरूफ रहती है बस। अच्छा तुम चुप हो जाओ और उठो यहां बैठो आके, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूं। तुम्हारे अबू को तो हम चुप नहीं करवा सकते ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। और अब आप भी छोड़े इस गुस्से को, बेटे से अच्छी अच्छी बातें करें। मैं अभी खाना लेकर आ रही हूं, अब कोई कड़वी कसेली बातें नहीं करें, सब अच्छी अच्छी बातें करें, सब अच्छी अच्छी बातें करें। अच्छी बातें करने की तो तुम्हारी बारी थी मियां, तुम्हारी बारी थी। यार हमारी पहले भी मुलाकात हुई थी, लेकिन पहली मुलाकात इतनी खुशगवार नहीं थी, तब हालात कुछ और थे। सही बात है, अब हालात भी बदल गए और हम भी बदल गए। I think हमें पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहिए, it's no use. मैं जानता हूँ मैं गलती पर था, लेकिन अब मेरे दिल में किसी के लिए कोई रंजिश नहीं है, कोई गुस्सा नहीं है। फारिस साहब से एक जरूरी बात करनी थी। जी जी बताइए, मैं
सुन रहा हूँ। आपको शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन आपसे जोया आपसे मोहब्बत करती है। आप शायद जानती नहीं है या आपके इल्म में नहीं है कि मैंने प्रपोज किया था जोया को, लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसे इनकार की एक वजह है। कैसी वजह? मैं समझा नहीं हूँ, सॉरी। आपके वालिद। अमीन, कैसे यार? असल में तुम्हारे वालिद जोया के कॉलेज गए थे और उन्होंने वहां जाकर जोया की काफी इंसल्ट की थी, और साथ में ये भी कहा कि जोया उनके घर की कभी भी बहू नहीं बनेगी और वो तुम्हारी शादी अपने स्टेटस के लोगों के साथ करेंगे। I'm really sorry, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बाबा ये कह सकते हैं। यही तो वजह है कि जोया ने आपको नहीं बताया। उसको लगा कि शायद आप उसकी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान अपनी फैमिली के खिलाफ तो बात नहीं सुनता ना। हाँ, और इसीलिए जोया आपके रास्ते से खामोशी से हट गई। जोया ने कुर्बानी तो दे दी, लेकिन वो खुश नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है कि आपसे ये बात करूं। औरत के लिए उसकी इज्जत नफ्स प्यार मोहब्बत से बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, और हम ये चाहते हैं कि जोया भी खुश रहे। अब ये तो तुम ही कर सकते हो, और वैसे भी मर्द की जिंदगी में दो ही चीजें अहम होती हैं, उसकी फैमिली और उसकी मोहब्बत, और उन दोनों में बेहतरीन तवाज़ुन कायम आप ही कर सकते हो। मैं आपके हाथों के पके हुए खाने को बहुत मिस करता हूँ। तो बेटा कभी कभार आ जाए करो ना। अब मैं अक्सर चक्कर लगाता रहा करूंगा अम्मी। ऑफिस के बाद वैसे भी घर पे फारिग ही होता हूँ। मैरीन अपनी सोशल लाइफ में बिजी होती है। दानियाल, बेटा तुम मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। सोया मेहरीन से कहीं ज्यादा अच्छी लड़की थी। हमें छोड़ दें बस, अब जोया की बातें करने का कोई फायदा नहीं। हमारी जिंदगियां बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं। लेकिन तुम्हारे अब्बू तो मुझे ही सुनाते रहते हैं ना हर वक्त। लेकिन बेटा तुम उनकी बात का बुरा मत मानना। वो तुमसे नाराज नहीं है, बस तुम्हारे लिए दुखी है। मैं समझता हूँ। पिछले दिनों तो उनकी तबीयत भी बहुत खराब हो गई थी, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया था कि तुम्हें फोन ना करूंगा। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मम्मी, आपको बताना चाहिए था। कैसे बताते बेटा, वो बहुत हसास हो गए, अब तो मेरी कोई बात भी नहीं सुनते। सारा वक्त बस खामोशी बैठे रहते। मैं भी किन बातों में लग गई। तुम बैठो बैठो, खाना खाओ, मैं पानी लेकर आती हूं। सोया बेटा, सोया क्या कर रही हो यहां? मगरिब के वक्त नहीं बैठते बाहर, आसेब होते हैं। कम से कम आसेब इंसान इतने खौफनाक तो नहीं होते ना मम्मी। अरे बेटा, ये किस तरह की बातें कर रही हो? चलो चलो, जाओ अंदर, अंदर जाके बैठो। ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ, तुम अंदर जाके बैठो। कौन है? जी मैं फारिस। अरे फारिस बेटा, आओ आओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कैसी हैं? मैं ठीक। वो एक्चुअली जोया से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, आओ। सोया
देखो फारिस आए, तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना के लाती। जी जी। कुछ पूछना है तुमसे, तुम मेरे हर सवाल का सही सही जवाब दोगे। हाँ तो मैं सुन रही हूँ, बोलो। एतबार नहीं करती ना मुझ पे, लेकिन मेरे सवालों के सही जवाब तो दे सकती हो, राइट? क्या बात है फारिस? बाबा कॉलेज आए थे? मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था। मुझ पे एतबार नहीं किया? मुझ पे? क्या किसी की लगाई गई पाबंदियां मेरी मोहब्बत से ज्यादा ताकतवर हो सकती हैं? देखो फारिस, मुझसे शादी करके तुम्हें जिल्लत के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। काश तुमने मेरे बारे में सोचा होता। मैंने सोचा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी मोहब्बत के बारे में सोचा मैंने, तुम्हारी इज्जत के बारे में भी सोचा। देखो फारिस, तुम्हारे पापा मुझे कभी कबूल नहीं करेंगे, वो हमेशा तुम पे मुझे एक बोझ समझेंगे। मोहब्बत के बगैर रह सकती है, इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। जोया, हालात के साथ साथ लोग बदलते हैं, दिल बदलते हैं, उनके ज़हन बदलते हैं। प्लीज। कुछ नहीं बदलता यहाँ पे, जब एक औरत की बात आती है तो कुछ नहीं बदलता, चाहे कोई कितना लिबरल हो वो उतना ही जाहिल है। ठीक है। नहीं, यही लिबरल हो उतने ही जाहिल रहते हैं। ओके, ओके, मैं तुम्हें मोहब्बत के साथ साथ इज्जत भी दूंगा, तुम्हारे वकार पे कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। मैं नहीं चाहती कि तुम अपने बाबा से मिले जाओ। औलाद को वालदैन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। झगड़ना और जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, मगर अपने हक के लिए तो बोल सकते हैं ना। हाँ सोया बेटा। जी अम्मी। बेटा चाय बन गई है फारिस। जी जी अम्मी, जी अम्मी, ये लो ये चाय। बेटा बहुत दिनों के बाद चक्कर लगाया तुमने, मैं अक्सर जोया से तुम्हारा पूछती रहती हूँ। कोई बात नहीं आंटी, अब तो चक्कर लगती रहेंगे, क्योंकि मैं बहुत जल्द अपने वालिदैन को लेके आ रहा हूँ जोया का हाथ मांगने के लिए। ये तो हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है। और अब इस मामले में सिर्फ आप ही से बात होगी। एक्सक्यूज मी भैया, लड़कियां अपने शादी के मामले में नहीं बोलती। देखा चाहे बैठती थी ना। कहां थे इतनी देर से, कहां से आ रहे हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, ऊपर से तुमने अपना फोन भी बंद किया हुआ है। अरे अम्मी अब्बू की तरफ चला गया था और फोन की बैटरी खत्म हो गई तो फोन बंद हो गया। तो तुम मुझे कम से कम बता तो सकते थे ना। अरे अचानक प्रोग्राम बन गया था तो चला गया, जाके पता चला कि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं। I can't believe this. तुम्हारे माँ बाप को इस उम्र में भी ये सारी ड्रामे बाजियां याद आ रही है। महरीन बस कर दो, बुजुर्गों के बारे में इस तरह की बात नहीं करते। आइंदा आइंदा तुम मेरी इजाजत के बगैर वहां नहीं जाओगे। वो मेरे माँ बाप का घर है, मैं जब चाहूंगा वहां जाऊंगा। तुम्हारा गुलाम नहीं हूं मैं, तुम्हारी तरह अपनी मर्जी का मालिक हूं। होश में तो हो तुम, ये किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? लगता है कि तुम्हारी माँ ने मेरे खिलाफ बहुत पट्टियां पढ़ाई हैं तुम्हें। किसी ने तुम्हारे खिलाफ पट्टियां नहीं पढ़ाई मुझे, वहम है तुम्हारा। तुम मेरी बात पे याद रखना, मैं सोया नहीं और ना ही उसकी तरह बेवकूफ। तुम्हारी माँ की सारी साजिशों को बहुत अच्छी तरह से जानती और समझती हूँ। हर वार का जवाब मुझे भी देना आता है। जोया तुम्हें पता है आज मैं इतनी खुश हूं कि शायद मैं अपनी खुशी तुम्हें बयान ही ना कर सको। ये फारिस बहुत अच्छा लड़का है, लाखों में एक है। वो जज्बाती है अम्मी,
अपने वालदैन को नहीं मना पाएगा। अरे उसने कहा तो है कि हम उसे थोड़ा वक्त दें तो वो अपने घर वालों को मना लेगा। और अगर नहीं मना पाया तो? ओहो, वो ऐसा लड़का नहीं है। उसने जो वादा किया है वो जरूर पूरा करेगा। वादा निभाना मुश्किल होता है अम्मी। मैं ऐसे ख्वाब नहीं देखना चाहती जो पूरे ही ना हो। सोया, फारिस ऐसा लड़का बिल्कुल भी नहीं है। वो कभी ख्वाब नहीं दिखा सकता। लेकिन अम्मी, सोया मैंने कह दिया ना, और वैसे भी फारिस ने मुझसे कहा है और मुझे उसके कहे पे 100% यकीन है। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ फारिस से ही होगी इंशाल्लाह। थैंक यू। एक इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। कहो। कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। क्या मतलब है फारिस, ये तुम क्या कह रहे हो? आपने मेरे कॉलेज आकर जोया की इंसल्ट की। बाबा, आप तो लड़कियों की बहुत इज्जत करते हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या फजूल बात है ये, वो लड़की झूठ बोल रही है। उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा, ये सब बातें मुझे कहीं और से पता लगी। अपने जोया की नहीं, मेरी इंसल्ट की है बाबा। फारिस, माँ औरतों के लिए उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही सब कुछ होती है, और आपने जोया के साथ सिर्फ इसलिए किया कि आप उसे कमतर समझते हैं, इस घर और इस खानदान के काबिल नहीं समझते हैं ना? मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वही किया। फारिस बेटे, जो मसला है उसको बैठ के हल करते हैं, तुम बैठो तो सही आके। प्लीज इसे बता दें कि इसकी शादी उस मामूली लड़की से नहीं होगी। तो ये बात आपको मुझसे कहनी चाहिए थी ना, जोया से नहीं। उस लड़की ने इस पर जादू कर दिया। एक मामूली लड़की की वजह से बाप के साथ उलझ रहा है, मेरे साथ सवाल जवाब कर रहा है। बाबा बस, मैं इस बारे में मजीद कोई बात नहीं करना चाह रहा। मैं इसकी नादानी की वजह से अपने खानदान और स्टेटस को दांव पे नहीं लगा सकता। तो आपको अपने खानदान और स्टेटस की परवाह? फारिस, ठीक है। फारिस, फारिस, आपने मुझसे इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? इसलिए कि मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा। मगर आपको मुझे बताना चाहिए था, क्योंकि फारिस इस बात से बहुत हर्ट हुआ है। क्या उस लड़की की वजह से हम हर्ट नहीं हुए? अगर फारिस जोया से शादी करना चाहता है तो इसमें क्या कबाहत है? हमें अपने बेटे की खुशी का ख्याल करना चाहिए। आप नहीं जानते, वो लड़की ठीक नहीं है, लालची लड़की है, ऐसे तो नहीं फारिस के पीछे पड़ गई। ऐसा कुछ नहीं है, जोया बहुत अच्छी लड़की है। इस तरह की लालची लड़कियां दौलत हासिल करने के लिए किस तरह के शॉर्टकट इस्तेमाल करती हैं आप नहीं जानती। जोया एक सेल्फ मेड और खुददार लड़की है, और गरीब होना कोई जुर्म नहीं है। अमारत और गुर्बत तो मुकद्दर की बात है, अगर ये बस में होता इंसान के तो कभी कोई गरीब पैदा ही नहीं होता। बस आज पहली बार फारस ने उस लड़की की वजह से मुझसे बदतमीजी की है। अभी तो उस लड़की ने इस घर में कदम नहीं रखा, और उसके आने से पहले नफाक ने जन्म ले लिया। वेरी गुड। अरे हाँ, अंकल कॉलेज आए थे। कौन, किसकी बात कर रहे हो तुम? अंकल, तुम्हारे फादर।
अंकल जाएंगी। किसी ने कुछ कहा है तो क्या वो इतना ताकतवर के हमारे रिश्ते को कमजोर कर सके? हाँ है ताकत। कौन है, कौन है वो बताओ मुझे। कोई गैर नहीं है। हेलो फारिस, सब खैरियत है ना? क्या चाहती हो तुम? चाहती हूँ कि तुम्हारे घर में कोई सीरियस मसाइल ना हो। इन मसाइल से नहीं घबराता। देखो फारिस, तुम मेरी पोजीशन नहीं समझ रहे हो। और तुम मेरे जज्बात ही समझ रही हो यार। जब मैं बहुत छोटी थी तो अब्बू का इंतकाल हो गया। मैंने बाप का प्यार कभी नहीं दिया। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से अपने बाबा से लड़ो। मैं अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स को संभाल लूंगा ज़ोया, प्लीज। ठीक है, तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हारे बाबा मुझसे मिलने आए थे? बस चल गया पता यार, छोड़ो इस बात को। अब प्लीज अब अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मैंने होप अब तुम मुझसे नहीं लड़ोगी। ठीक है। गुड। ओके देन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या आप सच कह रही हैं? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। फारिस घर आया था, सोया का रिश्ता मांग रहा था। कह रहा था बहुत जल्दी अपने माँ बाप को लेकर आऊंगा। वक्त मांगा है उसने। अम्मी, अगर किसी को वक्त चाहिए तो उसको वक्त दे देना चाहिए ना। मैं तो बहुत खुश और मुतमईन हूँ। फारिस बहुत अच्छा लड़का है। अच्छी बात है। मुझे अब जोया की बिल्कुल फिक्र नहीं रही। फारिस उसे बहुत खुश रखेगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक हो ना? जी अम्मी, मेरा आदिल बहुत ख्याल रखता है। घर वालों को मेरा बहुत सलाम कहना। फोन रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। ओके खुदा हाफिज। जाती हूँ, इतना होमवर्क देते हैं, मतलब एक हद होती है, कम काम देना चाहिए कि नहीं। सोया बाहर तो मेरे को बुला रहा है। कौन? पता नहीं, खुद जाकर देख लो। हो सकता है। थैंक यू। असाइनमेंट कर लिया तुमने? इतना सारा काम था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ज़ोया, मेरा नाम भी मत लेना दानी। तुम्हारे खौफ की वजह है, लेकिन एक बार मेरी बात तो मान लो। तुमने मुझसे मम्मी तोड़ ली, फिर से शादी कर ली। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरे माँ बाप के बारे में नहीं सोचा। इतनी बेइज्जती के बाद मुझसे क्या बात करने आए हो तुम? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ ज़ोया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ किया। तुमने मुझे इतनी आसानी से माफ कर दिया? हाँ, तुमने माफी मांगी और मैंने माफ कर दिया। अब क्या चाहती हो? तुम शायद भूल रही हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरे लिए नज़में लिखा करती थी, मुझे ख्वाबों में देखा करती थी। वो मोहब्बत एक माजी थी, वो वक्त गुजर चुका है और तुम्हारा नाम सिर्फ एक याद है। और याद रख, यादें इंसान को दुख देती हैं।
जोया, नील के साथ कुछ नहीं होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। तुम अब सिर्फ मेरे कजन हो और किसी और के शौहर हो। मेरे बारे में सोचने के बजाय जाओ अपनी जिम्मेदारियां निभाओ और मुझसे माफी मत मांगो। जाके अपने माँ बाप से माफी मांगो। तुमने मुझसे ज्यादा उनका दिल दुखाया है। लौट जाओ अपनी बीवी के पास। लड़की जोया की तरह नहीं होती। और आइंदा मुझसे मिलने की कोशिश मत करना और मेरे कॉलेज आने की जहमत मत करना। तुम्हें पता है फारिस आया था अम्मी से जोया की बात करने। अम्मी बहुत खुश थी। चलो बहुत अच्छी बात है, हमारी वजह से उनका काम तो हो गया। थैंक यू। तुम अगर साथ ना देते तो ये मुमकिन नहीं था। यार मैं कैसे ना तुम्हारा साथ देता। मैं ये सोचती हूँ कि अगर तुम इनकार कर देते तो पता नहीं मैं क्या करती। मैं तुम्हें इनकार ही नहीं कर सकता था। जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके लिए सिर्फ इकरार के ही अल्फाज होते हैं। मैं अब चलूं? पक्का? माफी मांग रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि उसने मेरे साथ गलत किया। चलो उसे एहसास तो हुआ एटलीस्ट। लोगों का एहसास बहुत देर से होता है। लोगों का एहसास तभी होता है जब लोग किसी मुश्किल में पड़ते हैं। हाँ ठीक कह रहे। Anyways, अगर कोई माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। मैंने माफ कर दिया उसे और मैंने उसे ये भी कहा कि आइंदा मुझसे मिलने की कोई जरूरत नहीं। तुम नाराज हो मुझसे? तुमसे नाराज हो ही नहीं सकता। तुम्हारे अब्बू मुझे पसंद नहीं करते। हाँ मैं मना लूंगा उन्हें वक्त तुझे मेरे साथ साथ हूँ। फिक्र नहीं कर रहा। अरे मैं तो भूल ही गई, तुम अचानक मेरे घर आए थे, तुमने बताया नहीं। हाँ वो ऐसे ही आ गया। निवेश छोड़ो, जोया हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं तो हमें सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। हाँ। चलता हूँ। फारिस बहुत अपसेट है। अब उसको ये तो पता चल गया है कि आप कॉलेज जाके जोया से बात कर चुके हैं और इस बात ने उसे काफी हर्ट किया। आप कहना क्या चाह रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें फारिस की खुशी का ख्याल रखना होगा। हमें सुया के घर जाना चाहिए वरना हमारा बेटा सारी उम्र हमारी दिल से इज्जत नहीं कर सकेगा। मतलब ये कि मेरे पास
इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। देखिए, जब बच्चे जवान हो जाते हैं वो अपनी पसंद और नापसंद को अहमियत देते हैं। अगर आप मां बेटे की यही खुशी है तो फिर ऐसे ही सही। मैं फारिस को खुशखबरी देती हूँ जाके। कर लीजिए। अम्मी। हम्म। आज दानियाल कॉलेज आया था, माफी मांग रहा था। इतने अरसे बाद उसे माफी मांगने का ख्याल कैसे आ गया? शायद वक्त के साथ साथ लोगों का गुरूर टूट जाता है। अम्मी, उनके घर में सब ठीक है ना? बेटा, इतनी पुरानी मंगनी उसने मेहरीन की खातिर तोड़ दी। अब अगर वो मेहरीन के साथ भी खुश नहीं है ना, तो यही उसकी सजा है। दानियाल को इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। दानियाल के खुश होने या ना होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे इम्तिहान हो रहे हैं, तुम अपने इम्तिहान की तैयारी करो, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फारिस, कहाँ होते हो तुम बेटे? अब तो हमारे साथ बैठते भी नहीं हो। कमन माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। Are you still upset with your father? पता नहीं माँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इस सारी सिचुएशन को लेके बाबा ऐसे रिएक्ट करेंगे। माँ, बाबा ने जोया को हर्ट नहीं किया, मुझे हर्ट किया। बेटे, यू नो व्हाट, आई थिंक यू शुड गिव हिम अनदर चांस। ही इज योर फादर आफ्टर ऑल। आई नो ही डिडंट डू राइट बाय यू, लेकिन तुमको बताऊं क्या, अब तो वो जोया के यहाँ जाने के लिए भी तैयार हो गई। आप सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल। अब तुम जोया को बता दो हम उसके घर आ रहे हैं तुम्हारा प्रपोजल लेके। ठीक है। थैंक्स मॉम। बहुत खामोश होने लगे हो तुम, बात ही नहीं करते मुझसे। तुम्हारे पास बात सुनने का वक्त ही कहाँ होता है? तंस कर रहे हो। मेरी ये मजाल कहाँ? मैंने ये नोटिस किया है कि जब से तुमने अपने माँ बाप के यहाँ जाना शुरू किया, तुम इसी तरह से मुझसे रिएक्ट करते हो, इग्नोर करते हो मुझे।
ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। वहम नहीं है ये मेरा, सच बोल रही हूँ। अब तुम इन छोटी छोटी बातों पे मुझसे झगड़ा करोगे? जब मैं तुमसे बात करता हूँ तब तुम मुझसे लड़ती हो, जब मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ चुप रहता हूँ तब तुम्हें बुरा लगता है, मसला क्या है? किस लहजे में तुम मुझसे बात कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया है? मेरा ख्याल है कि मैं यहाँ से खुद ही उठ के चला जाता हूँ, फिर तुम्हें खुशी मिल जाए। सच कह रहे हो? हाँ हाँ सच कह रहे हैं यार, माँ बाबा मान गए हैं और वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले हैं। अम्मी को बताती हूँ। फारिस, तुम्हारे पापा दिल से राजी हुए हैं ना? खुश दिल से राजी हुए हैं, वो थोड़े सख्त मिजाज जरूर हैं लेकिन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। काश मेरे अबू भी जिंदा होते। इंसान की जिंदगी में बहुत से काश होते हैं। जोया, अल्लाह के फैसले बेहतरीन होते हैं और इनमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। बस तुम उनकी बख्शिश के लिए दुआ किया करो। देखो, मैंने अपना वादा पूरा किया तो तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं है ना? नहीं, मैं तुम्हारे वालिदैन का इंतजार करूंगी। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।